अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े, दिल्ली के स्पेशल दही बड़े। और हम आपको ये भी सिखाएंगे कि किस तरह हम छोले जल्द से जल्द उबाल सकते हैं। सबसे पहले आप आधा किलो छोले हमने लिए हैं, आप इसको वॉश करके और इसके अंदर एक खाने का चमचा बेकिंग सोडा डाल के और इसको लगा के रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए हम इसके अंदर बेकिंग सोडा लगाते हैं। छोलों में हमने बेकिंग सोडा लगा के रख लिया है, मूंग की दाल धुली हुई, चने की दाल, माश की दाल या जिसे कहते हैं उड़द की दाल, तीनों हमने हम वज़न ले लिए। अब हम इन तीनों को वॉश करके और तकरीबन एक घंटे के लिए भिगो देंगे। चलिए इसे भिगोते हैं। छोले भी हमने सोडा डाल के भिगो दिए हैं और दाल को भी हम भिगो चुके हैं। अब चलते हैं हम दही बड़ों की पापड़ी की तरफ। पापड़ी के लिए हमने मैदा ले लिया है, मैदा लिया है तकरीबन 1/2 kg। अब उसके अंदर हम डालेंगे 1/2 tablespoon सॉल्ट, नमक, नमक हमने डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन, आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं, हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन जाएगी सिर्फ 1/2 teaspoon। थोड़ा सा हम इसको क्रश कर लेंगे हाथों की मदद से। और अब इसके अंदर हम उसी तरह जिस तरह हमने समोसों की पापड़ी बनाई थी कि पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमें इसमें इतना ऑयल डालना है कि ये आपस में जुड़ने लगे। तो चलिए पहले इसे हम ऑयल डाल के जोड़ते हैं। सेम समोसों के डो की तरह हमने इसे भी ऑयल डाल के जोड़ लिया है। ये देखें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि इतना बस मकदार में ऑयल होना चाहिए कि तमाम मैदा आपस में जुड़ने लगे। जब ये जुड़ने लगेगा तो अब हम इसको अपने काउंटर पे डालते हैं और इसको पानी डाल के डो बनाते हैं। डो इसका ना बहुत ज़्यादा सख्त बनेगा ना बहुत ज़्यादा नरम, सेम समोसों जैसा। मिलते हैं डो बनाने के बाद। डो आप देखें इस तरह हमारा तैयार है और इतना नरम है। इसमें तकरीबन हमने 6 से 7 tablespoon ऑयल डाला है और 1/2 cup हमारा इसमें पानी लगा है। चलिए हम अपनी रेसिपी को आगे लेके चलते हैं, करते हैं अपने सबसे पहले छोले रेडी। छोले रेडी करने के लिए हमने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डाल के लगा के रखा है। अब हम बेकिंग सोडे को पानी डालेंगे और उसको पूरा डिसॉल्व कर लेंगे। और आप चाहें तो इसको पतीली में भी उबालने के लिए रख सकते हैं। फिर हम इसमें सादा पानी डाल के बॉईल करेंगे। हम इसे प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए लगा रहे हैं। मिलते हैं छोले बॉईल करने के बाद। छोले बॉईल करने के लिए हमने उसके अंदर कुकर प्रेशर कुकर के अंदर 1 खाने का चम्मच नमक भी शामिल किया है। इससे हमारे छोले थोड़े नमकीन फ्लेवर देंगे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो दाल हम भिगो चुके थे उसको हमने मिक्सी में इस तरह ब्लेंड कर लिए, सब पीस चुके हैं तीनों दालें और ये हमारी इस पोटेंसी में आ चुकी है। अब इसके अंदर हम 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। दही बड़ों के लिए एक बहुत बेहतरीन स्पेशल दही बड़ा मसाला बनता है, जिसके लिए हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्ची, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 खाने का चम्मच सफ़ेद नमक। इसको हम हल्का सा फ्राई पैन में चंद कतरे ऑयल डाल के और ज़रा सा इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारा दही बड़ों का मसाला बड़ा बेहतरीन तैयार हो जाए। चलिए हम ये सब काम रेडी करते हैं और फिर हम अपने दही बड़े फ्राई करेंगे। दाल में चुटकी भर हमने अजवाइन शामिल किए और बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा और अजवाइन। दही बड़ा का मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है, ये देखें कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा। छोले हमारे ये देखें बॉईल हो चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम अपने पापड़ी को बनाने के लिए चलते हैं। आटे के हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे इस तरह से, यानी कि छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। ऐसे ऐसे करा और ये इस शेप में हमने इसको कर लिया। ये एक और बना के दिखाते हैं, ये यूं करा यूं करा, ये देखें ठीक है। कढ़ाई में हम तेल गरम करते हैं और इसको बेल बेल के फ्राई करते हैं। पेड़े को हमने हल्का सा चिकना कर लिया है और अब हम इसको इस तरह अपने काउंटर में या आप चकले बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। इस तरह करके यूं करा, ये देखें ये हमारी इतनी मोटी होनी चाहिए, ये देखें। इस तरह करके हम एक एक सारी पूरियां बेल लेंगे, यानी कि पापड़ी की सारी पूरियां बेल लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम थोड़ा सा आटा इस तरह लेके इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। इस तरह तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं। जिस तरह हम समोसों के लिए डाल रहे थे समोसे, इतना ही तेल गर्म होना चाहिए। अब हम अपनी तमाम पापड़ियाँ इस तरह जो ये बेली हैं ये इस तरह एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई होने लगी हैं तो अब हम इसको टर्न कर रहे हैं ताकि हमारा ये दूसरा साइड भी अच्छा सा हो। हमें इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है और खूब अच्छा सा क्रिस्पी फ्राई करना है। मिलते हैं इसको फ्राई के बाद। पापड़ी हमारी दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने दूसरा बैच कढ़ाई में डाल दिया है फ्राइंग के लिए और ये देखें ये हमारी पापड़ी रेडी है। इसी तरह हम सारी पापड़ी फ्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद हम अपने दही बड़े फ्राई करेंगे। एक पैन में हम ऑयल गरम करने रख रहे हैं दही बड़े फ्राई करने के लिए। अगर आप इसे इस बैटर से दही बूंदी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा ऑयल ज़्यादा रखना होगा, और अगर आपको इसके बड़े साइज़ के दही बड़े बनाने हैं तो ऑयल कम रखना होगा फ्राइंग पैन में। हम अपनी वीडियो में लॉन्ग करके इसलिए सब कुछ समझाते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर आपको इसके अलावा फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको, अगर हम आपको तरीका बता देते हैं कि बूंदी किस तरह बनेगी। दही बूंदी बनाने के लिए आपको एक इस तरीके का स्पाइडर चाहिए होगा, यानी कि चावल का जाली वाला छन्ना, वो चमचा। ये देखें इस तरह हम अपने इसको पैन के ऊपर रखेंगे और किसी स्पून की मदद से हम इसके अंदर ये डालेंगे और इस तरह गोल घुमा लेंगे। ये देखें बूंदी हमारी फ्राई हो रही है कुछ इस तरह से, ये देखें। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम बड़े तैयार करते हैं। हमने जिस तेल के अंदर बूंदी फ्राई की थी उसी के अंदर हम इस तरह स्पून में डाल के और ये हम
इस तरह कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में डाल देंगे। एक साइड से फ्राई होने के बाद फिर हम इसको टर्न करेंगे और दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। एक बर्तन में हमने पानी डालकर उसके अंदर नमक डाल लिया है, तकरीबन एक लीटर पानी के अंदर एक खाने का चम्मच नमक। अब हम ये बड़े फ्राई करके उसके अंदर डिप करेंगे कुछ देर के लिए। ये देखें, दही बड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसको निकालते हैं और फिर इसको हम पानी में डिप कर देंगे ताकि ये थोड़ी देर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप इसे फ्राई करके किसी प्लेट में भी निकाल सकते हैं और उसके बाद इसको पानी में डाल सकते हैं। दही बड़े जो हमने पानी में भिगोए थे, अब उसको हम इस तरह हल्का सा प्रेस करके पानी निकाल लेंगे इसका और किसी डिश में रख लेंगे ये इस तरह से। हम तमाम दही बड़ों को इसी तरह कर लेंगे। दही बड़ों की प्रेजेंटेशन के लिए हमें एक पाव फ्रेश क्रीम और एक किलो दही चाहिए। सबसे पहले हम फ्रेश क्रीम को बीट करते हैं। क्रीम हमारी बीट हो चुकी है, ये देखें इस फॉर्म में। अब हम अपनी दही भी बीट कर लेंगे। दही हमारी बीट हो चुकी है, अब हम इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। हमने दही और क्रीम दोनों मिक्स कर लिए, ये देखें इस तरह से। अब आप एक डिश के अंदर अपने दही बड़ों को बिछा दें। पहले इस तरह से आप दही बड़े बिछा लें, फिर उसके ऊपर दही शामिल करें। आपकी पसंद पर डिपेंड करता है क्या आप इसके अंदर बॉयल आलू डालें। इस तरह से हरा धनिया, टमाटर और हरा पुदीना कट करके ये ऊपर से शामिल करें। प्याज स्लाइस में कटे हुए गोल रिंग ये शामिल करें। इमली और सौंठ की मीठी चटनी, हरी चटनी, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक और ये जो हमने चाट मसाला तैयार किया था ज़ीरे और कुटी हुई मिर्चों की मदद से, तो ये वाला चाट मसाला, दही बड़ों का मसाला और सिंपल कोई भी चाट मसाला। सबसे पहले अब दही और दही बड़ों के ऊपर हम छोले शामिल करेंगे। उबले हुए आलू, रिंग में कटी हुई प्याज,
कटे हुए टमाटर, आप इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। हमारी फैमिली में ऊपर से कटी हुई मिर्चें ज़रा पसंद नहीं की जाती, बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हरा धनिया के बाद अब हम ऊपर से डालेंगे पुदीना। चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से, जो दही बड़ों का मसाला बनाया है वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप ब्लैक सॉल्ट की जगह सिंपल सॉल्ट भी ले सकते हैं। हरी मिर्चें और लहसुन की हरी चटनी, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज़ में हम आपको इमली और गुड़ की चटनी भी बनाना सिखाएंगे। ये वही इमली और गुड़ की चटनी है। और लास्ट में ये जो पापड़ी हमने तैयार की थी वो शामिल कर दें, ये भी आपकी पसंद के ऊपर है, आप जितनी चाहें डाल सकते हैं। आपको इसकी आवाज़ से ही क्रिस्पीनेस का अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी है। हमने जो ये छोटी बूंदी बनाई थी वो भी इसमें शामिल कर दी है। और लीजिए मज़ेदार दिल्ली की दही बड़ों की चाट तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्त फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, अपनी फीडबैक हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर कुछ मुश्किल हो तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।